चित्रोले। कॉलेज में था तब भी ऐसा ही था, बात बात में उखड़ता था, और अब तो इसके दिमाग में गुरूर भी भर गया। वैसे आज तो उन्होंने अपनी हार मान ही ली है, अब आप जल्दी से सीआईडी में। नहीं अभी, अब नहीं, अब सीआईडी में वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। सर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए सर, प्लीज। नहीं दया, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। देखा ना चित्रोले ने कैसे हंसते हंसते मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर दस्तखत कर दिए, फाइनल। इतना सब होने के बाद तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं? कभी नहीं। सर चित्रोले साहब थोड़े टेढ़े हैं मगर कभी कभी हंसते भी हैं, हम लोग बात कर सकते हैं? नहीं अभी जी, कभी भी इस चित्रोले के पैर मत पकड़ना, कभी भी नहीं। देखा किस तरह से दिग्विजय को लाके बिठा दिया, सीआईडी में एक ऐसे आदमी को लाया उन्होंने जिसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया और जो दबाया गया है। कैसा गुनाह सर? एक ऐसा गुनाह अभिजीत कि दिग्विजय सीआईडी में नहीं जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। सर एसीपी साहब के सीआईडी में वापस न आने के फैसले ने हमारी जड़ों को हिलाकर रख दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह किया है एसीपी दिग्विजय ने जिसको साबित करने का जुनून सवार है प्रद्युमन साहब पर। एसीपी प्रद्युमन नाम है उनका, एक बार जो बोल देते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं। अगर उन्होंने कहा कि दिग्विजय गुनाहगार हैं तो उनके गुनाह की पोटली ये खोल के ही रहेंगे। लेकिन चित्रोले साहब या दिग्विजय साहब ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? कुछ नहीं होगा, सचिन और विनीत है ना उनके पीछे, अगर वो किसी मुसीबत में फंसे तो वो लोग उनकी मदद करेंगे। वो देखो विनीत, वो रही गाड़ी। सर जल्दी चलिए प्लीज। हेलो, हाँ दया सर। यस दया सर, हम उनके पीछे ही हैं सर, वो जवाली रोड पर आए। ओके सर, ठीक है सर, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ओके सर, बाय। ये अभिजीत सर और दया सर ने भी बड़े टेढ़े काम पे लगा दिया है। वो तो है सर, लेकिन सर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। ये बात तो है सर, उन्होंने गाड़ी लेफ्ट की तरफ मोड़ ली, जल्दी चलिए कहीं खो ना जाए। ये कौन सी जगह है? कुछ अजीब सी जगह है। ये क्या विनीत, एसीपी सर ने गाड़ी शर्मीली बार के सामने रोक दी। प्रद्युमन सर बार के अंदर जा रहे हैं।
आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। इस मुन्ना का भी क्या करूँ, अभी तक सो रहा है। कितनी बार बोलती हूँ जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, मेरी सुनता ही कौन है। क्या मैम साहब, दरवाजा खोलने में इतना देर लगाया, आज फिर मेरा सेठ मुझे सुनाएगा। उठने दो इस मुन्ना के बच्चे को, ऐसी डांट लगाऊंगी याद रखेगा। आज इतनी जल्दी कौन उठ गया? चंदन तुम हो क्या? गीता क्या हुआ? गीता क्यों चिल्ला रही हो? अभी खून, इतना सारा खून, कौन है ये आदमी और यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, मैं तो दूध वाले के लिए दरवाजा खोलने गई थी। परी हमारे घर में घुसा कैसे? मम्मी क्या हुआ? मम्मी मम्मी क्या हुआ? बंटे को भी चले। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम चलो अंदर। मम्मी मुझे देखना है। नहीं देखना है वहाँ पे, तुम चलो अंदर। अरे मम्मा, आप दरवाजे पे बेल बजा रहे थे जब ये सब हुआ। चाकू मारे से, सर पलटू से। छह बार वार किया गया चाकू से, वो भी सिर्फ सामने से। क्या जुनून सवार रहा होगा सर खूनी के सर पर? 6'6" का, 80-85 किलो का तगड़ा आदमी है ये। सर खूनी भी कोई पहलवान जैसा आदमी ही होगा। खूनी या तो तगड़ा आदमी है या फिर 2-3 लोगों ने मिलकर खून किया इसका, मगर वार सिर्फ सामने से किया गया है। सर जेबें बिल्कुल खाली है, लगता है खूनी सब कुछ ले गया। आप में से कोई भी इस आदमी को नहीं पहचानता? नहीं सर, हमने खुद इसे यहाँ पहली बार देखा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एक अजनबी आदमी घर में घुस कैसे आए। घर के अंदर घुसा भी और यहाँ मर भी गया। किसी ने मार दिया। सर दरवाजे का लॉक एकदम सही सलामत, तोड़ा फोड़ी का कोई भी निशान नहीं है। दरवाजा किसी ने अंदर से ही खोला। सुना आप लोगों ने, घर का दरवाजा किसी ने अंदर से खोला है, किसी घर वाले के लिए। इसका मतलब है ये मरा हुआ आदमी कोई अजनबी नहीं था। सर ये भी हो सकता है कि ये लोग अंदर से दरवाजा बंद करना ही भूल गए। मगर दरवाजे में तो ऑटोमेटिक लॉक है, वो अपने आप बंद हो जाता है। और जब मैंने घंटी की आवाज सुनी तब भी दरवाजा बंद था। ऑटोमेटिक लॉक? हाँ सर, दरवाजा अंदर से बंद था। हम बाहर 15 मिनट से घंटी बजा रहे थे। घर का दरवाजा खुला भी अंदर से और बंद भी अंदर से हुआ। सर दरवाजा तो कल रात 11 बजे मैंने खुद चेक किया था और दरवाजा तो अंदर से अच्छी तरह से बंद था सर। हो सकता है इस आदमी ने ड्यूप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। घर की चाबी घर के सदस्यों के पास रहती है, किसी बाहर वाले के पास नहीं। क्या आपको इसके पास कोई चाबी मिली? नहीं, अभी तक तो इसके पास कोई चाबी नहीं मिली। लेकिन हो सकता है कातिल ने चाबी ली और यहाँ से भाग गया, या फिर हो सकता है यही कहीं छुपा दी घर के अंदर। सर लुन्नू? नहीं नहीं, थोड़ी देर देखते हैं, शायद इनमें से कोई वो चाबी हमें दे दे। सर ये सारे इल्जाम झूठे हैं। झूठ है? 6 बार किया गया इस आदमी को सामने से और किसी ने भी चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी। अगर ये आदमी गूंगा भी है तो दर्द के मारे इसके मुंह से कोई आवाजें तो निकली होंगी। सर आवाजें आती तो सुनते और आपको बताते, जब कोई आवाज आई नहीं तो आपको क्या बताएं? सर कई लोगों को यूं मुंह दबा कर मारने की आदत होती है, शायद इसके साथ भी वही हुआ। सर लगता है घर के सारे सदस्यों को पता है कि अंदर से दरवाजा किसने खोला था और सब मिलकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग बहुत ही शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, समाज में हमारा नाम है, भला हम ऐसा काम क्यों करेंगे? अक्सर शरीफ लोगों की जिंदगियों में कुछ ऐसे घिनौने राज छुपे होते हैं कि वो उन्हें गुनाह के राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इस खून के राज तक भी हम लोग पहुँच कर ही रहेंगे। सर ये भी तो हो सकता है कि ये खून कहीं और हुआ हो और खूनी ने इस लाश को लाकर यहाँ हमारे घर में रख दिया हो। खून की छींटे लाश के आसपास ही हैं, कहीं और तो है नहीं, खून यहीं हुआ है। और इतनी भारी लाश को इस बिल्डिंग के 6th माले के एक फ्लैट पे उठा के ले आना कोई आसान काम नहीं है। जब इस लाश को ऊपर लेके आ रहे थे तो इस बिल्डिंग के वॉचमैन ने तो देखा ही होगा ना? एक ही तो वॉचमैन है यहाँ पे गेट के पास, और शायद वो भी उस वक्त पिया हुआ हो। हमारा ऑफिसर गया है आपके वॉचमैन को लाने के लिए, आने पर पता चल जाएगा कि वो शराब पिए हुए था या नहीं। ए, ए, लोगो, अंदर आ, अंदर आ।
जाओ। आइए, घबराइए मत। सॉरी सर, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, हम तो बस देखना चाह रहे थे। क्या देख रहे थे? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है? गौतम, शांत हो जाइए। आपको देखना है ना, अंदर आइए, नजदीक से देखिए। आइए, इस आदमी का चेहरा ध्यान से देखिए, इसे पहचानते हैं आप लोग? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा सर। सर, सर, मैं रात वाले वॉचमैन को ले आया हूँ, अब आप फटाफट केस सॉल्व कर दीजिए। जरा सांस लो, जोर से। शराब पीती तुमने? नहीं सर, शराब को तो मैं छूता तक नहीं। अच्छा, और खराटे, खराटे मारते हो? खराटे मारना तो मेरे लिए पाप है सर। कितने पैसे दिए थे तुझे? कितने पैसे दिए थे तुझे इसे करने के लिए? बोल। मैम प्लीज शांत रहिए। अब इधर आओ, जरा इस आदमी का चेहरा देखो, पहचानते हो इसे? ये इस आदमी का खून हुआ है। पहचानते हो इसे? हाँ साहब, कल रात 1:30 बजे के करीब सोसाइटी के अंदर एक गाड़ी आकर रुकी थी। कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले जा रहे हो? गाड़ी सजा पार कर दे, 15 मिनट बाद। अरे लेकिन सुनिए तो, बड़ा अजीब आदमी था ये, लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए और देखिए यहाँ 6वें माले पे आके बैठ गया। मैं इसके पीछे पीछे गया लेकिन कहीं मिला नहीं। या सर, क्या हुआ रेनु? ठीक तो हो ना? मुझे चक्कर आ रहा है। ले चले, अभी तो अच्छी भली थी। संभाल के रेनु, चलिए संभाल। तुमने कहा कि उस आदमी ने गाड़ी की चाबी तुम्हें दी? हाँ साहब, मैंने वो गाड़ी पार्क कर दी थी, अब भी वही है सर। चलो दिखाओ गाड़ी का। ये रही साहब वो गाड़ी, और ये इसकी चाबी। इस गाड़ी से उस आदमी के बारे में पता चलेगा, जरा गाड़ी चेक करो। सूट किस लेके घूम रहा है? सर ये देखिए, कहीं जा रहा था और जाते जाते इस घर की तरफ आ गया। कहीं जा रहा था या कहीं से आ रहा था? कपड़े मैले हैं क्या? नहीं, कपड़े तो धुले हुए हैं, मतलब कहीं जा ही रहा था। रात के 1 बजे सर, लेकिन शहर छोड़ने से पहले उसे गौतम कुमार के घर से ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा? हाँ, जो उसे मौत के मुंह में ले आया। गाड़ी किसी विजय के नाम पर है, दिल्ली विला, आरजे रोड, मलाड वेस्ट। सर लैपटॉप, इसमें जो कुछ भी है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय? सर ये एविडेंस। बकवास मत कर, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर दे, डिस्ट्रॉय कर इसको। इससे पहले तो वो देखे जल्दी कर। इसके घर पे जाके पता चलेगा कि वहां से कब निकला था। अरे पंकज, तुम्हारे हाथ में लैपटॉप कहां से है? लैपटॉप? ये क्या कर दिया? सॉरी सर, हाथ से गिर गया। ये एविडेंस था। आई एम सॉरी सर। कहाँ मिला ये लैपटॉप? सर ये पीछे वाली सीट के नीचे था सर। इस लैपटॉप में जो डेटा था वो किसी भी हाल में निकालना होगा, किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाओ। इस वक्त कौन हो सकता है? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मिस्टर विजय हैं घर पे? मैं ही विजय हूँ, आप लोग कौन है? हम आपके बिछड़े हुए दोस्त हैं। कमाल है, आप लोग मेरे बिछड़े हुए दोस्त हैं और मुझे ही नहीं पता। इसे जानते? इसकी तो मौत। हाँ, खून हुआ है इसका। खून? हाँ, हम लोग CID से। CID? सर बात क्या है, आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं? इसकी लाश गौतम कुमार के घर पर पड़ी हुई थी। गौतम कुमार के घर पर? इसका मेरे से क्या लेना देना? तब तो गौतम कुमार कहाँ रहते हैं आप ये भी नहीं जानते होंगे। सर जब मैं गौतम कुमार को ही नहीं जानता तो मुझे उसके घर का पता कैसे होगा, आप ही बताइए। अच्छा आपकी गाड़ी कहाँ है? सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई। चोरी हो गई? होशियार है, जैसे ही पूछा गाड़ी कहाँ है
चोरी हो गई सर। सर जो सच है वो सच है, मेरी गाड़ी सच में चोरी हो गई। आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, आपकी गाड़ी गौतम कुमार की बिल्डिंग के नीचे खड़ी है अभी भी। What? रुक्मिणी अपार्टमेंट्स सोसाइटी का नाम। रुक्मिणी अपार्टमेंट्स? तो इसका मतलब है कि चोर ने गाड़ी वहां पर छोड़ दी। अरे इस चोर ने भी मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है यार। अच्छा मिस्टर विजय, अगर आपकी गाड़ी सचमुच में चोरी हुई है तो आपने पुलिस में तो रिपोर्ट दर्ज करवाई ही होगी। रिपोर्ट दिखाई। सर मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं। आपकी गाड़ी चोरी हो गई और आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? कमाल है। क्योंकि फ्रेडी, इनकी गाड़ी चोरी हुई ही नहीं, जरूर इन्हीं का हाथ है इस खून में। एक्चुअली सर मैं पूना गया हुआ था, जैसे ही मैं पूना से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी गायब है और मैं रिपोर्ट लिखवाने जाने वाला था कि इतने में आप लोग यहाँ पर आ गए। आपकी गाड़ी में आपका क्या क्या सामान था? सर सामान तो कुछ भी नहीं था, लेकिन डैशबोर्ड में गाड़ी के पेपर्स थे। आपका सूटकेस या आपका लैपटॉप नहीं था? सर मैं अपना लैपटॉप अपने साथ पूना लेकर गया था। सर अगर विजय की गाड़ी सचमुच चोरी हुई है तो फिर इस आदमी ने पहले विजय की गाड़ी चुराई और फिर उसे लेके रुक्मिणी अपार्टमेंट में गया और वहां पे किसी अनजान आदमी के फ्लैट में जाके मर गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि सच क्या है। इसमें से डेटा तो मिल जाएगा ना? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर इसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है लैपटॉप के टूटने से। फिर भी कुछ तो मिलेगा। सर आप तो देख रहे हैं मैं लगा हुआ हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। सर आशा अब रेनू की तबीयत कैसी है? सर रेनू अब खतरे से बाहर है। गुड। सर आपको एक खबर देनी थी सर। हाँ बताओ। सर वो सुनिए ना। क्या हुआ यहाँ बोलो। हाँ ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं बता सकते? सर अब मैं जो देख के आ रहा हूँ, अगर अब आप लोगों ने भी देख लिया होता तो शर्म से सिर नीचे हो जाता। क्यों ऐसा क्या देख लिया तुमने? कैसे बताऊं, बात ही कुछ ऐसी। सर आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, इट्स ओके। अब बोलो भी। सर प्रद्युमन साहब कल डांस बार में गए थे रात को। क्या डांस बार में? हाँ शर्मिली डांस बार। शर्मिली डांस बार? क्या सर वहां पे क्या करने गए थे? सर वो सचिन अभी बता भी दो। ये हो क्या रहा है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो घर चले गए और सुबह उन लड़कियों से मिलने के लिए वापस आए। ये डांस बार सुबह सुबह ही खुल जाता है? बार तो सुबह सुबह नहीं खुलता, लेकिन सर उन लड़कियों से मिलने के लिए उनके घर गए। उनके घर गए? अब ये क्या नया चक्कर है? इसके तह तक जाना पड़ेगा। जीप में बैठा था और फिर जीप से उतर के भागने लगा अचानक। क्यों भागने लगा? सर किसी बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं सर। मैं फॉलो करता हूं सर। ओके कहीं ये वही आदमी तो नहीं, क्यों आया है यहां? क्या करे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? आप मुझे देखकर चुप क्यों गई? मैं नहीं तो कुछ छुपाना चाहती है? नहीं मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे, और मैं तो आपको जानती भी नहीं। देखिए मैं एसी मैं प्रद्युमन एक्स एसीपी सीआईडी से। ओह सीआईडी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसे मदद? अगर आपको याद हो तो 7-8 महीने पहले यहाँ पर, मेरा मतलब है आपके घर के बाहर जो चाय की दुकान है जी, उसके सामने एक पुलिस एनकाउंटर हुआ था। हाँ हुआ था, और उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी।
एक बात बताइए, जब ये इनकाउंटर हुआ क्या उस वक्त आप वहीं पर खड़ी थी उसी खिड़की में जहां पर मैंने आपको अभी अभी देखा? हाँ, खड़ी थी ना जी। अगर आप खड़ी थी तो आपने इनकाउंटर भी देखा होगा मैम, देखा था ना आपने? हाँ हाँ देखा है, लेकिन जो देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। इतना दर्दनाक कि आदमी महीनों सो ना सके, भूख प्यास मिट जाए। बहुत दर्दनाक था वो, बहुत दर्दनाक था। मैं समझ सकता हूँ मैम, किसी की मौत देखना इतना ही आसान बात नहीं है, लेकिन बताइए ना क्या हुआ था उस वक्त? हाँ, क्या देखा आपने? मुझे अच्छी तरह से याद है, उस चाय की दुकान के सामने एक जीप आकर रुकी, पुलिस की जीप, जिसमें चार पुलिस वाले थे और एक आदमी सादे कपड़ों में था। कुछ देर बाद वो पुलिस वाले जीप से उतरकर कहीं पास ही जाकर बैठ गए और वो सादे कपड़ों वाला वहीं बैठा रहा। फिर क्या हुआ? फिर उस चाय की दुकान से किसी ने उस सादे कपड़े वाले को जोर से आवाज दी, उसे अतुल कह के बुलाया, और इतनी जोर से बुलाया कि मुझे ऊपर तक सुनाई दिया। किसने किसने पुकारा उस सादे कपड़े वाले आदमी को? ये तो पता नहीं, लेकिन था बड़ा अजीब, और वो इंसान लंगड़ा के चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर अतुल नाम का आदमी जैसे ही जीप से उतरा और उसके तरफ जाने लगा, उन पुलिस वालों ने गोलियां चलाकर उसे छलनी कर दिया, मार दिया उसे। अच्छा, एक बात बताइए, जिस आदमी ने अतुल को बाहर बुलाया था वो दिखने में कैसा था? उसकी उम्र करीब 35-40 साल की होगी, उसका कद 5'7-8", उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और चेहरे पर बड़ा सा घाव। कहां पर चेहरे पे? दाहिनी तरफ, ऐसे। अच्छा, तो ये था वो। जी डॉक्टर सारंगखे, क्या पता चला? अभिजीत एक बात बताओ, ये डेड बॉडी जब तुम्हें मिली वहां पर कोई छटपटाहट के, कोई स्ट्रगल के निशान थे? नहीं डॉक्टर साहब, जब बॉडी मिली तो आसपास लोग खड़े थे और घर का सारा सामान ठीक ठाक था, यहाँ तक कि सुबह तक घर वालों को भी पता नहीं चला कि वहाँ हुआ क्या है। अच्छा, अब सर ये जो लाश है इसके शरीर पर जो घाव है वो किसी एक आदमी ने बनाया है या एक से ज्यादा लोगों ने? घाव पे ये नहीं लिखा होता कि कितने लोगों ने मारा है। बहरहाल अभिजीत एक बात साफ है, ये जितने भी घाव हैं वो एक ही चाकू से किए गए हैं। ओह, एक ही चाकू मतलब एक ही खूनी। शायद। अब जरा सोचो अभिजीत, ये एक नहीं दो नहीं पूरे 6 चाकू के वार हैं इस पर, तो 6 चाकू के वार के बावजूद ये आदमी चीखा चिल्लाया क्यों नहीं, छटपटाया क्यों नहीं? सर हम वहां पे थोड़ी थे, हमें कैसे मालूम ये वहां पे क्यों नहीं चिल्लाया? अरे इन लोगों को सीआईडी में भर्ती किसने किया? डीसीपी चित्रोलन। चित्रोले ग्रहण है यार सीआईडी पर जो। अरे सर आराम से, ये लोग दिग्विजय के खास आदमी हैं। तो क्या हुआ यार? यार ये भगवान के पास पेंट भी खत्म हो गया होगा जब दिग्विजय को बनाया उसने। कंट्रोल सर उनके साथ। एक्सक्यूज मी सर, दिग्विजय जी हमारे एसीपी हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। क्या दिग्विजय? मैं दिग्विजय की टांग के नीचे से निकल जाऊंगा अगर वो ये बता देगा कि उस घर में हुआ क्या था जब ये आदमी मरा था। अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी एसीपी साहब को सब कुछ बता देता हूं। हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक मिनट सर, हमने ऐसा किया क्या सर? आप हम पर भड़क क्यों रहे? क्योंकि मैं तुम लोगों से डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये इसलिए चीखा चिल्लाया नहीं होगा क्योंकि शायद इसका मुंह बंद होगा जब इसका खून किया जा रहा था। नहीं अभिजीत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इस आदमी पर चाकू से वार किया गया तब इसका मुंह बंद नहीं किया गया, क्योंकि इसके मुंह पर कोई भी खरोंच का निशान नहीं है, किसी किस्म का कोई निशान नहीं। देखो क्लीन। एक बात और, ये जितने भी चाकू के निशान है वो हमें ये बताते हैं कि ये चाकू का वार इसे ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है। यूं। ऊपर से नीचे की तरफ? मतलब खूनी इस आदमी से भी लंबा था क्या? या फिर जब इसका खून हुआ तो ये आदमी बैठा होगा जिस हालत में ये हमें मिला। सर, सर इसके पेट के फ्लूइड में से मुझे एंटीमनी क्वाड्रो कार्बो लिक्विड मिला है। एंटीमनी? सर वो लिक्विड कार्बन। एक मिनट, आप दोनों रहने दीजिए। सीधी साफ बात यह है अभिजीत, ये जो केमिकल हमें इसके पेट में से मिला है ये एक किस्म का सेडेटिव होता है।
नींद की दवाइयां बनाई जाती हैं इससे, जिससे इंसान जल्दी सो जाता है। ओके सर, तो ये नींद की दवा खा के सो गया होगा यार। और ये नींद की दवाई शायद इसे घर के अंदर दी गई होगी, क्योंकि बाहर खाया होता तो बाहर सो रहा होता। एग्जैक्टली अभिजीत, ये दवाई इसने जरूर घर पे ही खाई होगी, क्योंकि रेनू के पेट में से भी हमें वही सेडेटिव मिला है जो इसके पेट में से मिला है। और बॉस, ये सेडेटिव रेनू को जरूर पानी में मिला करके दिया गया होगा, क्योंकि रेनू के पेट में हमें पानी के अलावा कुछ नहीं मिला है। लगता है जैसे पानी के अलावा उसने और कुछ खाया पिया नहीं। शायद इस आदमी ने भी वही पानी पिया। बिल्कुल रजत, इस आदमी ने जरूर वही पानी पिया होगा, उसी सेडेटिव की वजह से ये बेचारा बेहोश हो गया, और जब इस पर चाकू से वार किया गया ये चीख चिल्ला नहीं पाया। मतलब पानी में ही गड़बड़ है। एग्जैक्टली, पूरे पानी में ही गड़बड़ है अभिजीत। ये देखो, ये घर के पानी का सैंपल मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, इस पानी में मुझे सेडेटिव मिला है। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, अगर घर के पानी में ही नींद की दवाई मिली हुई है तो फिर घर के बाकी लोग बेहोश क्यों नहीं हुए, सिर्फ रेनू और ये आदमी ही क्यों? सभी लोग बेहोश हुए होंगे, वो हर आदमी बेहोश हुआ होगा जिसने ये पानी पिया है। तो एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, घर के बाकी लोगों का भी टेस्ट करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा किस किस ने पानी पिया है और किसने नहीं पिया है। लगता है आप लोग। हाँ, क्या करें, जब तक हम लोग केस की तह तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आना जाना तो लगा ही रहेगा। हम सभी पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं, सोचा आपसे भी फिर से पूछताछ कर लें। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं उस आदमी को नहीं जानती जिसका खून हुआ था। राधिका जी, कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रही है। हमें आपके बात करने के स्टाइल से अंदाजा हो गया है कि आप कुछ बात बताने में हिचकिचा रही है। कोई तो बात आप जानती है मगर उसे गोल कर रही है आप। राधिका जी, लोगों को लगता है कि CID की मदद करके वो बेवजह किसी मुसीबत में ना फंस जाए, लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। घबराइए मत, जो कुछ मालूम है बताइए। देखिए, पड़ोसियों का मामला है, हम लोगों को यहीं रहना है, हमें किसी बात में नहीं आना। एक आदमी की मौत हुई है राधिका जी। वो देखिए राधिका जी, घबराइए मत, आप जो कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं। जी, मैंने उस आदमी को कुमार के घर में देखा था पहले। इसका मतलब उस आदमी का इस घर से कोई कनेक्शन है, तभी वो वहां पे आके मरा। आप ये बात हमें पहले भी बता सकती थी राधिका जी। सर, वो मैं घबरा गई थी। सर, मुझे लगता है घर का कोई आदमी इस खून में मिला हुआ। हाँ रजत, मुझे भी यही लगता है। आखिरी बार आपने उस आदमी को यहाँ कब देखा? यही कोई 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले, और किससे मिला था वो यहाँ पे? वो नहीं पता। कुछ और बता सकती है? सर, दरवाजा किसने खोला था मैं तो वो भी नहीं देख पाई। राधिका, उदय, आप लोग, आप आ गए? ये लोग CID से हैं। हेलो। हेलो, आप? मैं उदय, राधिका का पति। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उदय, जो मिस्टर कुमार के घर में खून हुआ है, ये लोग उसके बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो खूनी का कुछ पता चला? खूनी के बारे में बहुत जल्द पता चली जाएगा, अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि मरने वाला है कौन। आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इसे पहचानते हैं? इस आदमी की मौत हुई है? नहीं, इसे पहले कभी मिलेगा। राधिका, तुम फर्स्ट क्लास चाय बना दो, मैं नहा के आता हूँ। एंड ऑफिसर्स, एक्सक्यूज मी, मैं नागपुर से जस्ट आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, आप प्लीज़ चाय पी के जरूर जाइएगा। राधिका, अपनी स्पेशल वाली चाय पिलाना इनको, बहुत अच्छी चाय बनाती है। आपके पति ने तो इस आदमी को देखा ही नहीं। सर, आप उदय को बिल्कुल मत बताइएगा कि मैंने इस आदमी को पहचान लिया, वरना मुझे बहुत डांटेंगे। किस लिए? उदय को मेरे पड़ोसियों के बारे में बात करने की आदत से सख्त नफरत है, इसलिए। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। सर, चाय पी के जाइए। किसी और दिन, थैंक्स। अरे वाह 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 तारिका जी, क्या बात है, बड़ी जल्दी टेस्ट पूरे कर लिया आपने, इसे कहते हैं एफिशिएंसी। भाई साहब, जरा एक मिनट सर, मैं जरा तारिका जी से बात कर रहा हूँ। अरे पर तारिका जी से बात करने का फायदा क्या है, रिपोर्ट तो यहाँ है सालू के हाथ में। मगर मुझे भी मालूम है कि रिपोर्ट में क्या है। क्या है? गड़बड़ है। क्या, क्या, क्या गड़बड़ है? रिपोर्ट में गड़बड़ है। अच्छा, रिपोर्ट में गड़बड़ है, क्या क्या गड़बड़ है डॉक्टर साहब? गड़बड़ ये है अभिजीत, कि जिस दवाई से
ये आदमी बेहोश हुआ था वही दवाई घर के हर सदस्य के फ्लूइड में पाई गई है। नौकर मुन्ना के भी? जी। मतलब घर वालों में से किसी ने भी खून नहीं किया, वो सब लोग सही कह रहे थे। ये भी हो सकता है सूरज की खून करने के बाद खूनी ने वो नशीला पानी पी लिया हो, ताकि जब टेस्ट करने की नौबत आए तो खूनी पकड़ा ना जाए। नहीं अभिजीत, सारे घर वालों के शरीर में दवाई बहुत ही कम मात्रा में मिली, इसका मतलब है कि सभी लोगों ने पानी खून होने के काफी टाइम पहले पिया होगा। अगर सबके सब बेहोश थे तो फिर खून किया किसने? किसी बाहर वाले ने। बाहर वाला? सर हाँ, जिस पानी को पी के सारे घर वाले बेहोश हो गए वो कोई बाहर वाला लेकर आया था। पता लगा गौतम जी के घर में ये पानी का कैन लेके कौन आया था। साहब अब मैं और नौकरी नहीं करना चाहता। क्यों? रोज रोज इतने ऊपर के माले चढ़ना और इतना सफर करना मुझसे नहीं होता। क्यों, क्या बात हो गई? टाइम भी बहुत जाता है और मेरे पीठ में बहुत दर्द है। तुम्हारी पीठ के दर्द का इलाज है हमारे पास। ले भाई, तुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, दवाई बेचने वाले यहीं आ गए। आजकल पानी बहुत भारी पड़ने लगा है, किसी की पीठ टूट रही है तो कोई पानी पी के बेहोश हो रहा है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप, पानी पी के बेहोश? हाँ, रुक्मणी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 606, गौतम कुमार के घर पर पानी तुम ही लोग भिजवाते हो ना? हाँ हम लोग ही भिजवाते हैं, ये राजू ही तो लेकर जाता है। कहाँ जा रहे राजू बाबू, कमर में दर्द हो जाएगा। 5,000 रुपए दिए थे और साथ में पानी का एक कैन भी। बड़ा वाला? और कहा था कि कुमार के घर जाके दे देना। और तुमने उस पानी के कैन में नींद की दवाई मिला दी? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैंने कुछ नहीं मिला। कौन था वो आदमी? बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे थी, टोपी और चश्मा भी पहन के रखा था उसने, पहले कभी देखा नहीं उसको साहब। और कुछ? 5,000 के साथ 5,000 रुपए भी दिए थे उसने। किस लिए? घर के नौकर मुन्ना को देने के लिए। ओ, तो इसमें मुन्ना भी मिला हुआ है। तुम कितने दूर थे? सर यही तकरीबन 20-25 मीटर दूर। 20-25 मीटर, तो प्रद्युमन ने तुम्हें देखा नहीं? अरे नहीं सर, मैंने बड़ी स्टाइल से पीछा किया सर। स्टाइल पीछा किया? पीछा? इसमें हंसने की क्या बात है सर? अरे उड़ते हुए तोते के दांत गिन लेता है प्रद्युमन, तुम किस खेत की मूली हो? सर, अरे कौवे की निगाह उसके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसे देखते रहो उसने तुम्हें देखा नहीं। वो कर क्या रहा था वहां? सर गाड़ी से उतरते जमीन पे कुछ ढूंढने लगे। जमीन पे? हाँ, 1-2 रुपये का कॉइन गिरा होगा, ऐसा है तो कंजूसी बहुत देर तक ढूंढता रहा होगा ना। नहीं सर, सीधा फिर किसी बिल्डिंग की तरफ देखने लगे। बिल्डिंग की तरफ? हाँ सर, उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। वो वहां गया ही क्यों? सर ये तो पता नहीं, हो सकता है उन्होंने बिल्डिंग में कुछ देख लिया। देखो जब एक CID ऑफिसर ऐसा कहता है ना कि मुझे पता नहीं, तो मेरा कपड़े फाड़ने को मूड होता है। लेकिन वो जगह कौन सी थी, कहाँ गया था वो? चौंटीना रोड सर। चौंटीना रोड? हाँ सर। न जाने कहाँ कहाँ जाएगा वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रद्युमन को CID ब्यूरो में ही रखता तो ही अच्छा था। क्या कह रहे हैं सर आप, मैं हूं ना यहाँ, मेरे होते हुए कैसे आएगा वो? अरे तुम फोके भी उसका क्या बिगाड़ सकते हो, वो क्या क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। पहले जाके वहां बैठ गया वो शादी के ब्यूरो में, अब मैं वहां गया जासूसी करने तो उसने मुझे फंसा लिया। हाँ सर, उन्होंने तो आपकी शादी तक करा दी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद वो डांस बार में जाके बैठ गया और वहां डांस करने लगा, है ना? हाँ सर। इस हद तक उतर आया प्रद्युमन? हाँ, और मैंने अब सोच लिया है अगर मैं अब प्रद्युमन से बात करूंगा तो 10 फीट दूर रह के करूंगा बस। क्यों सर, आंखों में कुछ गड़बड़ है? हाँ, फंसा लेता है वो, चीता है चीता, आंखों से पीता है। सर आप DCP हो, लोग आपके नाम से कांपते हैं। कांपते हैं जी, है ना? हाँ। जब मैं रूम में घुसता हूं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते? ये लंगोट कहां से आया? कौन बोला? बोला कि नहीं? हाँ 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 सर। गया? मैं? नहीं सर, बोला नहीं इन्होंने, सोचा।
दया, ये सरासर एकदम गलत है। देख विजय, बस एक मिनट। वो लैपटॉप दिया था, उसका क्या हुआ? सर वो हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ये क्या हुआ उसका, वो लैपटॉप का कुछ मिला उसमें? लैपटॉप तो रिपेयर हो गया सर, पर इस लैपटॉप पे जो दिख रहा है वो बहुत अजीब है सर। ये विजय का लैपटॉप है। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। सारी चीजें अपनी जगह से निकाल दी गई। अंदर देखो। अंदर कोई नहीं है। सारे कमरे खाली हैं सर। तो उसे पहले से ही शक हो गया होगा कि हम वापस आने वाले हैं, इसलिए हमारे आने से पहले ही भाग गया। लेकिन कुछ तो होगा, कोई छोटा सा सुराग, कुछ भी छोटा सा। एक काम करो, देखो फिर से, देखो अच्छे से देखो। निखिल, फ्रेडी, क्या हुआ सर? ये फोटो देखो, ये फोटो विजय के घर पर क्या कर रही है? कहीं ये भी? अरे विजय बाबू, कहाँ भाग रहे हैं? बहुत जल्दी में लग रहे हैं आप। अरे सर, आप लोग यहाँ? खूनी मिला नहीं अब तक? मिल गया। अच्छा, कहाँ मिला? आपकी गाड़ी में। क्या बात कर रहे हैं सर, मेरी गाड़ी में? कहाँ है? मैम, बाहर आइए, बाहर आइए। बाहर निकलो। ये रही खून। ये पुनी कहाँ भाग रहे? विजय बाबू, हमारा दर्शन नहीं करोगे आप? सर, आप लोगों को कैसे पता चला कि इस सब में हम दोनों शामिल थे? इस फोटो के जरिए, जिसमें तुम हो, राधिका है और वो मरने वाला आदमी। अब बताओ कौन है ये आदमी जिसका खून किया गया है? ये शौनक है, मैं इससे प्यार करती थी। शौनक, मैं और विजय, हम तीनों मिलके लोगों को ठगा करते थे पैसों के लिए। और शादी हो गई उदय से, है ना? शादी हुई नहीं। शौनक ने कहा था कि प्यार तो ठीक है, लेकिन उदय के पास पैसा है, उससे शादी कर लो। और वक्त आने पे उसे मार देंगे और सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। कितनी खतरनाक औरत हो तुम। इतना गहरा प्लान, लेकिन उदय तो अभी जिंदा है। उदय जिंदा है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। अच्छा पति भी मिला और पैसे भी, तो मैं उन्हें क्यों मारूं? तो इसीलिए शौनक तुम्हें तंग करने लगा? वो मुझे रोज तंग करता था कि वो उदय को मार देगा। शौनक उदय को मारना चाहता था? हाँ, ये बात मैंने ही इसे बताई थी। इसीलिए कल रात मैंने शौनक को मारने के लिए रुक्मिणी अपार्टमेंट्स में बुलाया था। जैसे वो लिफ्ट से निकला, मैं उसे गौतम के फ्लैट में ले गई। राधिका, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? तुम्हारा फ्लैट तो सामने वाला है। हाँ, लेकिन अगर मैं खून अपने घर में करती तो शक सीधा मुझ पर आता, इसीलिए मैंने पड़ोसियों के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। अरे वाह, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ओके, ठीक है। okay,
ये लो पानी। थैंक यू। तो आगे का प्लान क्या है? तुम पानी पियो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। ये राधिका, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? पानी का स्वाद कैसा लगा? पानी का स्वाद? ऐसा पानी तुमने जिंदगी में नहीं पिया होगा। क्यों? इसका मतलब फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास पहले से ही थी। हाँ। नहीं, गहरी साजिश। अगर तुम्हें अपने पति की जान बचानी थी तो हमें बताते, हम बचाते उसे। शौनक की जान लेने की क्या जरूरत थी? शौनक भी तो नेक आदमी नहीं था। इंसान की जान लेना गुनाह है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, शायद फांसी होगी तुम्हें। कितने हुए? 100 रुपये। अरे सुनो भाई, यहाँ पर ये दिलीप कहाँ रहता है? दिलीप? हाँ दिलीप, वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है। अच्छा अच्छा, उस दिलीप की बात कर रहे हैं आप? जी। वो सामने वाला घर। वो? थैंक यू। दिलीप। दिलीप, 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 कौन हो तुम? कौन हो तुम बताओ। बोलो, किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा तुम्हें? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.